वो आदमी कहाँ है जिसने इस लड़की के साथ छेड़खानी की है? कहाँ है वो? जवाब दे, चुप क्यों है? अरे बोलता क्यों नहीं? सर, सर उस रात न्यू ईयर की पार्टी थी और हम दोनों नशे में पीकर धुत हो गए थे सर, और फिर हमने उसे घर छोड़ दिया और फिर वहां से भगा दिया था सर। हमने लड़की को देखा, लेकिन सर उसने उस लड़की को पहले छेड़ा और फिर उसके साथ बदसुलूकी की सर। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं बस बाइक चला रहा था सर। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, मैं कसम खा के कहता हूँ सर, मुझे कुछ पता नहीं है। क्या इसने अब तक अपना मुंह खोला? नहीं, लेकिन इसने नहीं किया है सर। तेरे इतने हिम्मत के पब्लिकली तू किसी लड़की के साथ बदसलूकी करे? क्या सोचा तूने? नशे में किसी भी लड़की के साथ कुछ भी कर सकता है? क्या तू अपनी बहन के साथ भी ऐसा ही करता है? ए सिद्धो, सर मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से अपना मुंह खोलेगा जब तक कि इसकी हड्डियां ना तोड़ी जाए। नहीं सर प्लीज। चलो शुरू हो जाओ। वैसे तुम तो जानते ही हो ना कि कुत्ते के गले में पहले पट्टा क्यों बांधते हैं? क्योंकि वो अपने मालिक के सामने दुम हिला सके। सर तो चलो अब शुरू करो, हड्डियों का चूरमा बना दो। नहीं सर, मुझे कुछ पता नहीं है सर, मुझे कुछ पता नहीं है सर। मैं निर्दोष हूँ सर, सर मुझे कुछ पता नहीं है सर। सर सर प्लीज सर, इसके जैसे अपराधियों को सुधारने के लिए हमें इस तरह के वीडियो बनाने चाहिए और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देना चाहिए कि हम अपराधियों को कैसे सजा देते, तब इन्हें समझ आएगा। ठीक है, बस करो और उसे यहाँ मेरे पास ले आओ। चलो उठो सर। नहीं, मैं चल नहीं पा रहा सर। छोड़ दो इसे, चल सीधे खड़े हो जा, चल अब दौड़। खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। मैंने कहा दौड़। दर्द हो रहा है सर, नहीं हो रहा है सर। चल जा साइड में जा। ए, तू इधर आ। तू सच बताएगा या नहीं? बताता हूँ सर, मैं आपको सब सच बताता हूँ। उस रात पार्टी के बाद सर, दोनों लड़कों ने लड़की का पीछा किया था। मैंने उन्हें देखा था सर, सड़क पर उन्होंने उस लड़की के साथ बदसलूकी की थी, और अब सर वो चेन्नई में वहाँ पर अपनी मौसी के घर आराम से रह रहा है। मैंने आपको सच बता दिया, प्लीज मुझे जाने दीजिए सर। एक टीम रेडी करके चेन्नई भेज दो, उन्हें सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि फिर कभी पब्लिक में या फिर कहीं पर भी किसी भी लड़की से बदतमीजी ना कर सके। Thank you.
सुमा खाना ठंडा हो जाएगा, खा लो बेटा। अच्छा ये देखो, आपको बबल गम बहुत पसंद है ना। क्या बात है? सुमा खाना नहीं खा रही। मैं देखती हूँ, इसे मुझे दो। ड्राइंग तो बहुत खूबसूरत है। मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। मैं यहाँ तुम्हारे कमरे में नाश्ता करने आई हूँ, लेकिन पता है मेरी दोस्त खाने से मना कर रही है, उसके बिना कैसे खा लूँ? चलो तुम जल्दी से खा लो, मैं भी जाकर खा लेती हूँ, ठीक है ना? वो खा रही है, अब वो ठीक हो रही है, रेस्पॉन्स भी दे रही है। एक दो हफ्ते में वो ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। तो क्या अब वो हमसे बात नहीं करेगी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप उसका परिवार हो, तो ऐसे केसेस में वो अपने परिवार को जवाब नहीं दे पाएगी। लेकिन हम तो उसके माता पिता हैं, तो वो हमसे क्यों गुस्सा है? नहीं वो आपसे गुस्सा नहीं है, गिल्ट कॉन्शियस है। जो भी बातें वो अपने परिवार को नहीं बता सकती है वो अपने दोस्त को बताएगी, और सुमा अब मुझे अपनी दोस्त मानती है, मैं भी उसके साथ दोस्त जैसा बर्ताव करती हूँ, इसलिए वो मेरी हर बात मानती है जो मैं कहती हूँ। देखिए सुमा ने आज ये ड्राइंग बनाई है। विजय संभालो खुद को, मैंने तुमसे कहा ना वो कुछ हफ्ते में वापस नॉर्मल हो जाएगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो शारीरिक रूप से तो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति के बारे में क्या? सोचो उस छोटी सी बच्ची के दिमाग पर कितना गहरा असर हुआ होगा। इस दुनिया में मेरी वो सबसे प्यारी बच्ची है। वो हमेशा कहती थी कि मेरे चाचा पुलिस ऑफिसर है, अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया तो उसे जेल हो जाएगी। वो मेरी वजह से दूसरों पर शेखी बघारती थी, लेकिन आज मैं उस अपराधी को ढूंढ नहीं पा रहा हूं जिसने उसे परेशान किया था। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, मुझे खुद पर शर्म आती है। विजय प्लीज प्लीज शांत हो जाओ, तुम ही तो मुझसे कहते थे ना कि एक दिन तुम उस अपराधी को जरूर गिरफ्तार करोगे। अपराध कभी छुपता नहीं, और मुझे विश्वास है बहुत जल्द तुम अपराधी को ढूंढ निकालोगे और उसे सलाखों के पीछे डाल दोगे। वैसे मेरे डैड मेरी शादी की बात कर रहे थे। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं अभी शादी नहीं करूंगी। वाकई तुमने ऐसा कहा? क्या तुम सच में शादी नहीं करना चाहती? सर, सर हमें डाउट है कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी वो साइको सतीश है। हमें ये भी सूचना मिली थी कि वो आपके सीसीपी डिपार्टमेंट द्वारा आरोपित घोषित किया गया था। सर हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो साइको सतीश ही है। आर यू श्योर? यस सर, ये वही होना चाहिए जिसकी तलाश हमारे डिपार्टमेंट को पिछले 4 वर्षों से थी। मुझे तो ऐसा लगता है सर कि वो ज्यादातर अपना काम यहीं कहीं से कर रहा था। सर सर
मेरे ख्याल से मर्डर मोस्टली लास्ट नाइट ही हुआ था। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई चोरी नहीं सर। लगता है खून करने वाला पहले से ही खून करने के इरादे से प्री प्लांट करके आया था सर। इस जगह को आइसोलेट करने से पहले आपको हत्या की सूचना सबसे पहले किसने दी थी? सर, रात के राउंड अप के समय हमें थोड़ा डाउट हुआ था सर। गुड, रेडी? फॉरेंसिक टीम आ गई है क्या? यस सर, वो लोग अंदर हैं। तो हमें जिस इंसान की तलाश थी उसकी हत्या कर दी गई है। हेलो, पहले किसी कठोर चीज से इसके सिर पर वार किया गया और फिर इसके पूरे चेहरे पर पॉलिथीन की थैली लपेटकर इसे मार दिया गया। एनी फिंगरप्रिंट्स? नहीं सर, हमें कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हैं। हत्यारे ने शायद ग्लव्स पहने होंगे। अपराधी का दिमाग बहुत तेज है, उसने ब्रिलियंट प्री प्लान्ड मर्डर किया है। वो जानता है कि बिना कोई सबूत छोड़े प्लान करके किस तरह से लोगों को मारना है। सर ये देखिए। क्या है वो? नाखून का टुकड़ा है सर। सतीश उर्फ साइको सतीश, उसके बैकग्राउंड के बारे में कोई नहीं जानता। 4 साल पहले जब इसी तरह से 3 महिलाओं की हत्या हुई थी तब इसे शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पुलिस को चकमा देने के बाद ये हिरासत से भागने में सफल रहा। उसकी आपराधिक गतिविधियां बढ़ती रही। महज 3 महीने में 4 और नाबालिग लड़कियों का किडनैप करके रेप किया और कुछ दिनों के बाद हमारे डिपार्टमेंट को एक केस मिला। हमें बताया गया कि स्कूल के बाहर से एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया था। इसके बाद डिपार्टमेंट तुरंत एक्शन में आ गया और अगले ही दिन हमें वो बच्ची बहुत ही बुरी हालत में मिली, जिसकी वजह वो किडनैपर्स होंगे। उस बच्ची को अस्पताल ले जाने के बाद ये पता चला कि उसे बेरहमी से मारकर उसका रेप किया गया। उन किडनैपर्स ने उस पूरी घटना को शूट करके उसका एक वीडियो बनाया और उस वीडियो को उस बच्ची के परिवार वालों को भेज दिया और उन्हें फिरौती के लिए ब्लैकमेल किया गया। जब पुलिस डिपार्टमेंट ने वीडियो की जांच पड़ताल की तो उस वीडियो में जो मास्क्ड मैन था वो साइको सतीश ही है, ये सबको सिर्फ संदेह ही था। लेकिन हम सब उसे पकड़ नहीं पाए। उसकी आपराधिक गतिविधियां बढ़ती ही रही। सिर्फ 3 महीने में ही 4 और नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर उनके साथ रेप किया गया। ये साइको सतीश का राइट हैंड है। ये लड़कियों के स्कूल जाता है, उनसे दोस्ती करता है, फिर उनका किडनैप करके साइको सतीश को सौंप देता है। जब उन दोनों को पता चला कि पुलिस डिपार्टमेंट उन्हें ढूंढ रही है तो वो दोनों अंडरग्राउंड हो गए। 3 साल बाद शहर में साइको सतीश की हत्या हो जाती है। मतलब जोला जगदीश इसी शहर में है। अगर हम उसे अरेस्ट कर लेते हैं तो साइको सतीश का केस ही क्लोज हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, ए प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन। डियर ऑफिसर्स, इस केस को अब मुझे सौंप दिया गया है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस केस में मेरी सहायता करें। यह है एसीपी राजशेखर, इंस्पेक्टर विजय कुमार, इंस्पेक्टर रुपेश, इंस्पेक्टर रेड्डी, सब इंस्पेक्टर सतीश, सब इंस्पेक्टर सुनील। पहले आप इस केस की मुझे रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद कार्रवाई करोगे। यस यस सर। All the best.
मिस्टर रेड्डी, वो गेट से बाहर निकल गया है। ओके, कॉपी दैट सर। साहिब, साहिब बोलो ना, मैंने क्या किया है? आप मेरे को इधर काई को लेके आया है? साहिब, घोड़े के ऊपर पैसा लगाना क्या अपराध है? तूने अपने साथी साइको सतीश को क्यों मारा बता? कौन से पार्टनर की बात कर रहे हो? मेरे को नहीं पता साइको सतीश कौन है। मेरी आई की कसम खा के कहता है मैं बहुत इनोसेंट आदमी हूं। अपने साथी साइको सतीश को तूने क्यों मारा बोल? आई शपथ सर, मैंने उसको नहीं मारा।
अपनी माँ की कसम कोई झूठी कैसे खा सकता है सर? डाउट है क्या? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सर। तू निर्दोष है क्या? इंस्पेक्टर विजय, सर देखो ना सर, मेरे को कैसा कुत्ते जैसा पीटा है, ऐसा कोई मारता है क्या सर? अपना भी एक स्टैंडर्ड है क्या? नहीं सर, आप समझाते नहीं क्या इनको सर? आपको पता है ना सर मैं कितना इनोसेंट आदमी है। ओके, श्योर सर, श्योर। जैसे ही कोई सुराग मिलेगा मैं आपको बता दूंगा सर, मैं आपको कॉल करता हूँ। जोला ने कुछ बताया क्या? वो तो बहुत पहले ही चला गया सर। व्हाट? ये क्या बोल रहे हो तुम? कमिश्नर साहब ने उसे जाने दिया सर। सर ने उसे जाने दिया? ओ विजय, आओ बैठो। इट्स ओके सर, जोला जगदीश को आपने जाने क्यों दिया सर? ये क्वेश्चन है या आर्ग्यूमेंट है? यू आर माय सीनियर ऑफिसर सर, तो मैं आपसे आर्ग्यू कैसे कर सकता हूं? गुड। जोला जगदीश अपराधी है ये साबित करने के लिए हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। बट सर, ही इज अ नोटोरियस क्रिमिनल। वो एक राक्षस है जिसने कई मासूम लड़कियों का किडनैप किया और उनके साथ रेप किया सर। वो एक ड्रग डीलर भी है। ये साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई पुख्ता सबूत है? सर आप जानते हैं कि वो कितना कुख्यात है। जानता हूं, मैं जानता हूं, तुम जानते हो, सारा डिपार्टमेंट जानता है। लेकिन हमारे पास उसे दोषी साबित करने के लिए हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। कानून को सबूत चाहिए होता है मिस्टर विजय। बट सर, मिस्टर विजय प्लीज कोई ठोस सबूत लेकर आइए। उम्मीद है आप समझ गए। यस सर।
अंकल। Yes, come in. सर, हमारे लॉकर में से एक एविडेंस चोरी हुआ है। कौन से केस से रिलेटेड है? साइको सतीश मर्डर केस से रिलेटेड मामला है सर। एविडेंस नंबर 33 सर। सबूत क्या था? एक नाखून सर। तो लॉकर से किसी ने सबूत चुरा लिया। पता करो एविडेंस किसने चुराया है। यस सर। मिस्टर हरीश। हाँ सर। इसके बारे में मेरे और तुम्हारे अलावा किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। यस सर। सर, हत्या जिस रात हुई थी उस रात साइको सतीश के घर के पास से ये अकेली कार ही गुजरी थी सर। रात को 11:15 ये वहां से गई थी सर, और रात को 11:30 वापस आ गई थी। स्टॉप स्टॉप, उस नंबर प्लेट पर जूम करो। कार में नंबर प्लेट नहीं है सर। सर, कार के राइट साइड पर रेयर बम्पर पर डेंट का निशान है। गुड। विजय, सीसीबी सर।
सॉरी सर, सर बोलिए ना सर। जोला यहाँ आता था? सर मुझे पता नहीं सर ये कौन है, मैंने तो इसे इससे पहले कभी भी देखा नहीं है सर। क्या हुआ था? मैं एक अपराधी का पीछा कर रहा था और फिसल कर गिर गया। पुलिस वाले भी फिसलते हैं क्या? क्यों, हम लोग इंसान नहीं है क्या? तुम तो इंसानों से भी बढ़कर हो विजय। अच्छा तो ये बात है। गर्लफ्रेंड जब समय समय पर इंजेक्शन नहीं देती तो बॉयफ्रेंड फिसलने ही लगते हैं। तुम्हारा मतलब टीटी इंजेक्शन? सर, हमने पता लगा लिया है कि लॉकर से सबूत किसने चुराए थे। कौन है वो? हमारे लॉकर से एविडेंस चुराने की इतनी हिम्मत किसमें आ गई? सर वो आप खुद ही देख लीजिए सर। Thank you.
यहाँ हो क्या रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? कोई बताएगा आखिर हो क्या रहा है यहाँ? Nobody is following my instructions. अब तक मुझे साइको सतीश हत्याकांड के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है. क्या इस तरह से काम करते हो आप लोग? सर, अगर आप हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है? बिल्कुल नहीं, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए. नहीं, मैं आपकी टीम से संतुष्ट नहीं हूँ. मैं ये केस किसी और को दे रहा हूँ. सर, बट इसमें हमारा क्या कसूर है सर? इट्स ऑल ओवर. आप लोग मिस्टर विजय से कह दो वो इस केस से दूर रहे. दिस इज माय ऑर्डर. गॉट इट? यस सर. यस सर. गुड. देखो विजय, समय समय पर तुम्हारा इलाज होता रहेगा तो कभी नहीं फिसलोगे. हेलो विजय, आपको इस केस से बाहर कर दिया गया है. इसके बाद से आपका इस केस से कोई लेना देना नहीं रहेगा. ओके. सर, हरीश, इस केस में विजय इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है? नो आइडिया सर. कुछ तो गड़बड़ है. यस सर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सर. विजय सर और इस केस का आपस में कुछ तो संबंध है, वरना वो इस केस से संबंधित सबूत को क्यों चुराते? तुम सही कह रहे हो हरीश. हरीश, किसी भी कीमत पर मुझे वो सबूत चाहिए. यस सर. सर, मुझे लगता है आपका अनुमान सही था सर. कमिश्नर सर जोला का बहुत सपोर्ट कर रहे हैं सर. चार सीट से उन्होंने अपना नाम हटा दिया है सर. अगर हमें सबूत चाहिए तो पूछताछ करनी ही होगी सर. जब आप पूछताछ कर रहे थे तो उन्होंने आपको रोका था. मेरी भी ये समझ में नहीं आया रेड्डी कि उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया और उससे बात की. वो साइको सतीश का क्राइम पार्टनर है, उन्हें उसके साथ में ऐसी क्या सीक्रेट बात करनी थी? अगर मैंने अपने अंदाज में पूछताछ की होती तो उसने सब कुछ उगल दिया होता. आपने सही कहा सर. कमिश्नर सर को हम लोगों से इस केस को क्यों वापस लेना पड़ा सर? क्या वजह है जो इस केस से आपको दूर कर दिया गया सर? अच्छा रेड्डी, क्या मुझे उनके बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है, जैसे कि उनके पर्सनल डिटेल्स या उसकी वर्क हिस्ट्री? आई वांट टू कंफर्म दैट जोला और उसका किसी तरह का कोई संबंध तो नहीं. मैं डिपार्टमेंट के डेटाबेस से जानकारी प्राप्त करने की पूरी कोशिश करूंगा, बट आई एम नॉट श्योर. सर प्लीज, आप इस केस को सावधानी से संभालिएगा सर. थैंक यू रेड्डी. बाय द वे, उस ब्लैक कार के बारे में कुछ पता चला क्या? सर, वो फर्जी नंबर था सर. वो कार किसकी थी अभी तक मैं पता नहीं लगा पाया सर. उस कार से जोला जगदीश का कुछ ना कुछ तो संबंध जरूर है. मैंने एक पब के बाहर खड़ी कार को देखा था. सेम ब्लैक कार, राइट साइड में पिछले पहिए पर मैंने उसी तरह का डेंट देखा था. उसी समय वहां से काली पोशाक पहने हुए एक आदमी गुजरा था. मैंने उसका पीछा भी किया था, लेकिन बैड लक, वो बच निकला वहां से. सर, मुझे लगता है कि काली कार और उस काले ड्रेस वाले आदमी का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन होगा सर. नॉट ओनली ब्लैक ड्रेस रेड्डी, जोला का भी इससे संबंध जुड़ा होगा.
हत्या वाली जगह पर भी वो ब्लैक कार खड़ी थी? जी थी सर। सो अगर हम जोला को अरेस्ट करते हैं तो वो सब कुछ बता देगा। वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। जी हाँ सर। सर जोला ड्रग डीलिंग भी करता है सर। वो उन कपल्स को निशाना बनाता है जो शहरों के पब में जाते हैं सर। हम उसे वहां अरेस्ट कर सकते हैं सर। रेड्डी तुम हमारे कमिश्नर पर नजर रखो। जोला का मामला मैं संभाल लूंगा। अपराधी कितना भी होशियार क्यों ना हो अपने पीछे सुराग छोड़ ही देता है। हर अपराध का एक अंत होता है। यस सर। मैडम मुझे बताइए क्या ये नाखून और बाल एक ही इंसान के हैं? और मुझे उसका डीएनए रिपोर्ट भी चाहिए। ओके। जल्द से जल्द भेजिएगा। ओके सर।
कौन है रे तू और क्या चाहिए तेरे को? ए कमिश्नर, ये कौन है रे? ये इंस्पेक्टर साला रास्ते के कुत्ते माफी मेरे को दौड़ा रहा है ये। अरे कुछ तो करना। सर, ये डीएनए रिपोर्ट। व्हाट? डीएनए रिपोर्ट मैच हो रही है? यस सर। हरीश, इस नंबर को ट्रेस करो। यस सर। मेक इट फास्ट। ये कौन सी नई जगह है रे? लॉकअप तो नहीं लग रहा है। लॉकअप होता तो अच्छा होता ना, कमिश्नर सर तुझे रिहा कर देते। उनका इस केस से क्या कनेक्शन है और वो तुझे क्यों बचा रहे हैं? तो उनसे जाकर खुद पूछना, वो तेरा बॉस है ना। मेरे को बांध के ऐसा टॉर्चर करके खुद को हीरो समझता है क्या? तेरे को मैं पहला भी बोला था, मैं बहुत इनोसेंट आदमी है।
तूने अपने साथी साइको सतीश को क्यों मार डाला बता? क्या बोला तूने? वो मेरा पार्टनर है ना, तो अपने पार्टनर को कभी कोई मारता है क्या? बोलना, सोचना तू। चल ठीक है, ऐसा समझ कि मैंने ही उसको मारेला है। इसका तेरे पास कोई सबूत है क्या? सबूत? सबूत चाहिए तुझे? एए, एए, एए। मैंने उसको नहीं मारा है और मेरे को ये भी नहीं पता है कि उसको किसने मारे लाए। चल तू एक काम कर, तू ना मेरे को मार डाल। ऐसे टॉर्चर होने से अच्छा है कि तू मेरे को मार डाल। ये देख, मेरे पे विश्वास थे हो, मैं एकदम इनोसेंट मानुस है। ठीक है, I trust you। तेरे को भरोसा है ना, तो मेरे को जाने देना। मेरे को मार क्यों रहा है? बोल बोल बोल, तेरे को क्या चाहिए? मैं सब दे देगा तेरे को। मुझे वो वीडियो चाहिए। अरे देवा, अरे कौन सा वीडियो चाहिए साहेब? बच्चों का वीडियो। आप बच्चे लोग का वीडियो देखते हैं क्या साहेब? च्युइंगम, च्युइंगम बेबी है ये तो। वो मेरा पंटर सतीश ने मेरे को बताया था, इस बच्ची को अगर च्युइंगम दिखाया ना। साहब इनोसेंट आदमी है। मेरी बच्ची बाहरी दुनिया को जानती नहीं थी। किसी ने मेरी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था? किसी का क्या बिगाड़ा था विजय? वो तुम्हारी भी प्यारी बच्ची थी, तुम उसके साथ प्यार से खेलते थे। वो राक्षस हमारी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है?
सबने मुझसे कहा था कि ये बहुत खराब समय है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना खराब हो सकता है। वो एक छोटी बच्ची थी, वो तो शारीरिक और मानसिक रूप से भी अविकसित थी। उस इंसान ने इतनी बेरहमी से सर्जरी करनी पड़ी और टाके लगाने पड़े मुझे। अब वो कैसी है? अभी वो ठीक है, पर पूरी तरह से सामान्य होने के लिए उसे काफी समय लगेगा। भले ही उसके शरीर का घाव ठीक हो जाए, लेकिन उसके मन पर लगे उस घाव को ठीक होने में कितना समय लगेगा ये मैं नहीं बता सकती विजय। इस युग के बच्चे महात्मा गांधी को जानते होंगे, उनके हत्यारे गोडसे को जानते होंगे, लेकिन वे ऐसे हैवानों को नहीं जानते होंगे। सही कहा आपने, हम अपने बच्चों को सिर्फ अच्छी बातें ही सिखाते हैं। उन्हें सड़क पार करते समय हर तरह की सावधानी बरतने को सिखाते हैं। जब वो कक्षा में हो या मैदान में हो, हम उन्हें सतर्क रहना सिखाते हैं। हम उन्हें स्कूल खत्म होने के बाद सीधा घर आने के लिए कहते हैं और दरवाजा बंद रखने को कहते हैं, ताकि चोर घर में प्रवेश ना कर सके। लेकिन लेकिन इससे पहले कि हमारी बेटी 7 साल की हो जाए, हमने उसे ये नहीं सिखाया कि कुछ लोग अपनी वासना को पूरा करने के लिए उनका इस्तेमाल करेंगे। 70 साल के आदमी से भी उन्हें भरोसा और बात करना चाहिए कि नहीं, ये नहीं सिखा पाए, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा भी होगा। लेकिन लेकिन कुछ लोग हमारे बच्चे को अपने आप को संभालो सुधा, शांत हो जाओ। विजय उन लोगों को नहीं छोड़ेगा, फिर मैं उसे उन राक्षसों को गोली मारने के लिए कहूंगा। ऐसे शैतानों को जीने का कोई हक नहीं है। सुमा, अभी आंटी आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगी, बस इन्हें देखकर बताओ कि इनमें से बुरा आदमी कौन है। मैं इनोसेंट आदमी हूँ साहब। जो लोग इधर ये देखने के लिए आया क्या कि इधर झोला जिंदा है या मर गया? अगर मैं मर जाता तो तेरे को खुशी होता ना? अरे भले ही तूने मेरे को धोखा दिया है, पर मैं नहीं मर सकता, झोला जीवंत है। आनंदी आनंद गड़े, जिकड़े तिकड़े तो ही कड़े। क्या मेरे सामने कॉमेडी करता है क्या? याद रखना, अपुन को तेरा सारा राज पता है। मेरे सामने पैर पड़ने का और इधर से सटकने का, मैं तेरे को जिंदा छोड़ देगा। तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है और तेरी अकड़ अभी कम नहीं हो रही है। तेरी मौत के बाद मेरा राज राज ही रहेगा, समझे? क्या चाहिए तेरे को? सबूत चाहिए ना? तो मैं देता है ना? तू जाता रहो। Yeah.
अपुन भले ही गंदा काम करता है लेकिन कभी किसी को धोखा नहीं देता है और धोखेबाजी को तो जिंदा अपुन बिल्कुल नहीं छोड़ता है। मेरे से सेटिंग करके मेरा ही गेम बजाने आ गया तो जैसे घटिया इंसान के साथ सौदा करने से अच्छा है मैं मर ही जाऊं। तू मरेगा, आज तू मरेगा, देखना तेरे को आज मेरे से कौन बचाएगा। याँ।
डियर ऑफिसर्स, इस केस को अब मुझे सौंप दिया गया है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस केस में मेरी सहायता करें। सर आप तो मेरे को जानते ही है, मैं बहुत इनोसेंट आदमी है। जोला जगदीश अपराधी है, इस बात को साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए उसे छोड़ना पड़ा। मिस्टर विजय, प्लीज पहले ठोस सबूत लेकर आइए, उम्मीद है तुम ऐसा करोगे। यस सर। विजय को इन्फॉर्म कर दो कि वो इस केस से बाहर रहे। दिस इज माई ऑर्डर, गॉट इट? और तेरी मौत के बाद मेरा राज हाजिर रहेगा, समझे? अंकल,